राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ किचन में, एक तरफ चाय बैठा रखा है और यहाँ पे आलू के भुरता मैंने तैयार कर रखा है और बस मैं पराठा बनाऊँगी इस टाइम। और ठाकुर जी को भी भोग लगानी है और सबसे पहले मैं गौ माता के लिए पहले मैं बना के निकाल दूँगी, उसके बाद से ठाकुर जी के लिए बनाऊँगी और उसके बाद से प्रियांशी के टिफ़िन तैयार करूँगी। तो सुबह सुबह का तो आप लोग जानते ही हो, बहुत होच पोच रहता है, बहुत ज़्यादा भागम भाग रहता है सुबह सुबह। तो बस बनाना स्टार्ट करके पहले उसके बाद से मैं ठाकुर जी को भोग लगा के उसके बाद फिर मैं प्रियांशी को रेडी करवाऊँगी। फाइनली प्रियांशी रेडी हो चुकी है और उसके बाल वगैरह भी मैंने बांध दिए हुए थे और वो बस अपना आई कार्ड पहन रही है, उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करेगी। तो इस बार ना इसका यूनिफॉर्म पूरा चेंज हो चुका है। पहले आपने देखा होगा मेरे प्रियांशी का यूनिफॉर्म कुछ और था और अब देखिए अब कुछ और है, मतलब बदल चुका है। इस साल यूनिफॉर्म ना बदल चुकी हैं और हाल ही में ही ड्रेस लिया गया था ठंडियों में, लेकिन वही है ना, स्कूल का मूड हो कब क्या चेंज कर दे कुछ पता नहीं है। तो बस प्यांसी को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सीधा दोपहर में आप लोग के साथ मिल रही हूँ प्यांसी को स्कूल आने स्कूल से लेके आने के बाद। फिर अभी 1:45 बज रहे हैं तो यहाँ पे बस यहाँ पे फ्रूट पिया जा रहा है। गर्मी इतनी है कि आप पूछिए मत, जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा उमस से हो जाती है। और अभी 2 बज चुके हैं और आज है नेक्स्ट डे, आज है गुरुवार और सुबह के अभी 5:45 ही बज रहे हैं। तो अभी मैं उठ के और झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को भी काम पे जाना है तो उन्हें 5:30 बजे तक ले चले जाना होता है। तो मुझे उनके जाने से पहले झाड़ू वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत काम में निपटा लेती हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह लगा के नहा धोकर और रेडी रहती हूँ। मुझे अभी रोटी भी बनानी है तो खाना भी बनानी है उनके लिए। तो बस नहा धो के झाड़ू वगैरह लगा के और थोड़ा बहुत पोछा फेरा है कमरे में क्योंकि मुझे पूजा पाठ इसी में करना होता है, क्योंकि मेरे बेडरूम में ही मंदिर है आप लोग देख सकते हैं।
तो बस नहा धोकर आई और बस अपना थोड़ा बहुत बिंदी सिंदूर लगा लिया। उसके बाद से पहले मैं टिफ़िन तैयार करूँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी, उनको भेजने के बाद ही मैं पूजा वगैरह करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं सिंदूर वगैरह लगा लूँ और उनके लिए पहले रोटियाँ बना दूँ और चाय वगैरह बना दूँ, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में भी 5 बज रहे हैं, इस टाइम अब 5 बज गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं बना लेती हूँ। तो बस मत्था टेक लिया है, मंदिर का ये जो भी है फूलों का मैंने पर्दा लगा रखा है, तो बस मैंने मत्था टेक लिया, ढोक लगा लिया है, अब बस भगवान को जगा दिया है। अब मैं जाऊंगी किचन में, तो किचन को मैं रात में ही साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा काउंटर टॉप भी कुछ साफ़ सुथरा रहता है और बोतलें सब जितना भी है सब धो के सब साफ़ सुथरा में रखती हूँ, क्योंकि सुबह ना बच्चों को स्कूल भी ले जाना होता है, तो सब ऐसे मैंने रात में सब साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। तो बस अब फटाफट से आटा लगाऊंगी और थोड़ा चाय वगैरह बना दूंगी, तो उनको चाय भी दे दूंगी, तले आटा मार के रख दूंगी। और आज बनाऊंगी राजमा की सब्ज़ी, तो राजमा मैंने भिगो रखी थी रात में ही, मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं करी, कल के वीडियो मैंने बहुत कम ही बनाया था। तो बस चाय वगैरह पहले बना लूँ और उनको पहले दी जाऊँ, उसके बाद से मैं आटा लगा के रोटियां बना के भेजने के बाद ही मैं सूर्य भगवान को जल अर्पित करने जाऊँगी। तो बस आटा लगा दिया है और इसको ढक कर रख दूँगी। इतने में दूध भी मतलब बॉईल करके एक तरफ रख दिया है और चाय भी मेरे हो चुका है। तो बस अब राजमा मैं कुकर में डाल के और बस लटपटी सी बनाऊँगी, ज़्यादा तरी वाला नहीं बनाऊँगी, बस सूखी सी मतलब लटपटी सी बनाऊँगी, क्योंकि टिफ़िन में ना बच्चों को देना भी है। तो बस लगे हाथ चढ़ा दूँगी और एक तरफ रोटियाँ बना लूँगी। तो चाय और दूध गर्म हो चुका है, तो अब बस दूध को भी उठा के रख दूँगी साइड में, चाय भी बन चुकी है और हस्बैंड को दे भी दिया है, और रोटियां अब बनाना शुरू कर देती हूँ। इतने में मेरी राजमा मतलब सीटी लगा लूँगी, तो बाद में मैं ना वो क्या कहते हैं सूर्य भगवान का जल देने के बाद फिर मैं सब्जियां बनाऊँगी। तो चलो फिर फटाफट से पहले बना लेती हूँ मैं। और आज है बृहस्पतिवार, तो मैं क्या करती हूँ आज के दिन ना गाय माता को जैसे पीली रोटी होती है देना चाहिए, तो क्या कहते हैं एक लोई लेती हूँ और उसी को उसी में ही हल्का सा ना हल्दी और चीनी डालकर और एक रोटी में एक दो रोटी बना के और मैं गाय माता के लिए अलग से निकाल के रख देती हूँ। तो मैं अपने बेटे से ही लगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा पाती गाय को खिलाने, मेरा बेटा ही जाता है खिलाने। तो बस गाँव माता के लिए उनके हिस्से का रोटी मैं बना कर निकाल कर रख दूँगी और फटाफट से बस रोटियां बना के और इनको मैं दे दूँगी, और बाद में ही मैं रोटियां बाकी बनाऊँगी पूजा करने के बाद, क्योंकि प्रियांशु को स्कूल भी जाना है, उसको रेडी भी करवाना है और मुझे अपना ठाकुर जी का सेवा भी करनी है। तो पहले मैं इनको भेज के ही और बाकी सारा अपना काम निपटाऊँगी। तो यहाँ रोटियां बन चुकी हैं, तो इनकी टिफ़िन लगा देती हूँ फ्रेंड, उसके बाद से आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना रोटियाँ बन चुकी है, टिफ़िन भी मैंने दे दिया है, हस्बैंड जी चले गए हैं, तो मैंने क्या किया कि मंदिर का सारा बर्तन लेके आई और सारा फटाफट से बर्तन धोया। और आजकल मैंने स्टील का ही बर्तन अब यूज कर रही फ्रेंड, क्योंकि ना मेरे यहाँ का ना बहुत खारा पानी है और एक दिन भी सही से पित्तल का तांबे का बर्तन नहीं चलता है मेरे यहाँ, बहुत जल्दी काला हो जाता और इतना गंदा लगता है ना, कुछ पूछिए मत। इसलिए मैंने सब ना स्टील का ही बर्तन यूज करती हूँ, बस दिया और घंटी बस मेरा पित्तल का है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल अर्पित करने, उसके बाद से मैं सूर्य भगवान को जल अर्पित करके और तुलसा जी में भी जल अर्पित करके उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी और ठाकुर जी का सेवा करूंगी। और पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने आलू ना बॉईल करना भूल गई थी, राजमा के अंदर आलू भी डालना होता है, मेरे बेटे को पसंद आती है लेकिन मैंने डाला नहीं। तो बस राजमा बनाने के बस प्रिपरेशन सब तैयार कर रखी हूँ। तो बस एक आलू को मैंने धो के और इसी को मैंने ना बिल्कुल बारीक इसमें घिस दिया है, क्योंकि मुझे एक सीटी और ले लूँगी, मतलब राजमा में ही डाल के एक सीटी में ले लूँगी, तो अच्छे से ये घुट जाएगा, तो बस थोड़ा ग्रेवी टाइप का हो जाएगा और लटपटी सी हो जाएगा। तो टिफ़िन में भी मतलब रखने में भी कोई
दिक्कत नहीं आएगी। अगर ज़्यादा ग्रेवी वाला ज़्यादा तरी वाला होता है ना, तो वो थोड़ा ना टिफ़िन में से बाहर निकलने का डर रहता है, तो सूखी रहती है ना सब्ज़ी, तो टिफ़िन में से जल्दी निकलती नहीं है। और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है और इसी में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, मतलब एक कड़छुल डाल दिया। इसी में हींग, जीरा, तेज़पात ये सब मैंने डाल दिया, खड़ा मसाला भी डाल दिया है, और इसी में ही मैंने पेस्ट बना दिया, और प्याज भी मैंने इसी में थोड़ा बहुत डाल दिया है ऊपर से, और बाकी सबका मैंने पेस्ट बना रखा था, वो सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिया, और किचन के जो भी रेगुलर मसाले वो सारे मैंने इसी में डाल दिए हैं, और बस फटाफट से डाल के सारा, और बस एक सीटी ले लूँगी तो इतने में राजमा मेरा तैयार हो जाएगा। और सबका अलग अलग तरीका होता है फ्रेंड राजमा बनाने का, मुझे पता है कि आपको मेरे से भी बेहतरीन आप सभी को आता है सब्ज़ी बनाना, तो मैं जैसा बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, तो मैं इसी तरह से बनाती भी हूँ और अच्छा भी लगता है, और रोटियों के साथ चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसी में मैं ना घिसा हुआ आलू भी डाल दे रही ऊपर से, और उबला हुआ क्या कहते हैं राजमा भी इसी में मैंने डाल दिया, और जो राजमा का पानी था ना वही मैं इसी में ऐड कर दूँगी, तो बस राजमा बस मेरा बन के रेडी हो जाएगा एक सिटी में। तो बस अब बजने वाले अभी 8 बजने, मैंने अभी 20 मिनट काम है, तो यहाँ पे देखिए ये सब रेडी हो गई है प्रियांशी, और बस अपना सेवा हवा में लगे हुए हैं सब, और मेरा कमरे का देखिए कैसा हाल हो रखा है, मतलब अभी जब तक ले ये सब जाएंगे नहीं ना अपने अपने मतलब स्कूल अपने कोचिंग, तब तक ले ना फुर्सत नहीं मिलेगी। तो यहाँ मेरी बेटी को ना चीला पसंद था खाने का, वो कह रही मुझे चीला ले जाना है, मैंने उसको फिर मीठी चीला बना के दिया, तो राजमा भी मैंने कुकर में से निकाल के पलट दिया राजमा की सब्ज़ी, और सब बर्तन अलग कर दिया है। अब मैं प्रियांशी को छोड़ के आऊँगी ना, तब मैं बर्तन वगैरह किचन वगैरह थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी, तो प्रियांश को स्कूल छोड़ने के बाद ही मैं आके तब मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी, तो सब बर्तन इकट्ठे कर दिया है मैंने, एक जगह कर दिया है, तो बस आने के बाद ही कमरे को सही करूँगी और बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो प्रियांश को छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, और बर्तन वगैरह सब मैंने धो दिया है, और बस बेडशीट बस झड़कार के अच्छे से बस बिछा दूँगी और कुछ नहीं करूँगी, और बस इतना ही गुरुवार के दिन इतना ही मैं बस थोड़ा सा ही काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं, और यही थोड़ा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद पानी सब मैं भर के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जब बारिश आती है ना तो उमस इतनी होती है ना कि ये आप पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस बोतल रात को धो रखे थे ना, तो उसी में पानी भरकर और मुझे फ्रिज में भी लगाना है। तो चलो फ्रेंड ये काम भी मैं निपटा लेती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, कोई मेरे से मिस्टेक हो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलती हूँ मैं आप सभी से। फ्रीजर में पानी रखने के बाद ना फिर मैं ठाकुर जी को स्नान करवा रखी थी, वो पानी और सुबह का रात का पानी वो सारे पौधे में डाल रही हूँ, मग्गे में इकट्ठा कर लेती हूँ, और यहाँ छत पे सारे मसाले सारे सूखने के लिए रखे गए हैं। तो आपके लिए यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या, जब धूप निकलती है तो सब मसालों को सब छत पर दिखा दिया जाता है, तो बस किचन की भी सफाई हो चुकी है। राधे राधे, हरे कृष्णा, आप सभी कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है गुरुवार, और आप लोग ने देख ही लिया सुबह से मैं कैसे व्यस्त पड़ी हुई थी अपने घर के कामों में, तो अब जाके काम निपटा हुआ है, और अभी बज रहे हैं 9:30, तभी कृष्णा आया नहीं है, खाना वगैरह सब बना दिया है, सब घर का काम भी हो गया है। तो गुरुवार को इतना साफ़ सफाई भी नहीं करती हूँ मैं, बस थोड़ा बहुत ही मतलब करती हूँ। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोग के कमेंट्स के रिप्लाई देना चाहती हूँ, मतलब जिन व्यूअर्स ने पूछा है, मतलब कुछ व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं मेरे से कमेंट्स में, कि एक आराध्या जी हैं, आराध्या गौरी जी हैं, मैंने लिख के रखा है इसमें, मतलब जिन जिन ने मतलब कमेंट्स में पूछा है ना, तो मैं उन्हीं का जवाब देना चाहूँगी इस वीडियो में ही। तो आराध्या जी ने पूछा है, आराध्या गौरी जी ने पूछा है कि दीदी आप रोज़ कौन सी आरती करती हो, गाती हो,
तो डियर फ्रेंड, मैं बता दूं आपको कि मैं रोज आरती में ओम जय जगदीश वाला मैं आरती रोज मतलब मैं करती हूँ सुबह सुबह। अब जैसे ये होता है ना कि हम कितने भी हैं ग्रस्त जीवन वाले हैं, तो ग्रस्त में कभी हम लोग को, हम लेडीज़ हैं और हम लोग को उतना समय नहीं मिल पाता है पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन हमें निकालना भी चाहिए। तो सुबह सुबह ना जैसे चालीसा वगैरह ये सब नहीं हो पाता है सुबह सुबह, तो आप वैसे मेरे ठाकुर जी पीछे देख रहे हैं विराजमान हैं, तो बस मैं सुबह अपना स्नान धान जो भी है मैं करके उसके बाद से अपने ठाकुर जी का सेवा करती हूँ, उसको नहलाना धुलाना सब अच्छे से करके इनको भोग करके भोग वोग दे के, और उनके बाद मैं ना गणेश जी की आरती करने के बाद ना ओम जय जगदीश वाला ही आरती गाती हूँ। अगर मेरे को समय मिल जाता है तो मैं चालीसा वगैरह का भी पाठ करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पास सातों बार की व्रत कथा का भी है, तो जब टाइम मिलता है टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं भी चलती हूँ। मैं भी आप लोग के ही तरह हूँ, कोई पंडित भी नहीं हूँ मैं, तो उसी के अकॉर्डिंग में अपना दिनचर्या मतलब करती हूँ। तो वैसे तो मैं आरती करने के बाद ओम जय जगदीश ही करती हूँ वाली आरती गाती हूँ, क्योंकि उसमें समस्त देवी देवता का ना आरती हो जाती है, तो मैं रोज़ बस वही करती हूँ। मैंने आपको रिप्लाई भी दे दिया है डियर, आप देख लीजिएगा। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे से कमेंट्स के थ्रू पूछा और आप मेरी वीडियो देखती हैं अपना समय कीमती निकाल कर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो देखी और आपको पसंद भी आया। और एक व्यूअर्स हैं जो पूछी हैं कि लक्ष्मी माता की पूजा रोज पर डे मतलब रोज़ हम कर सकते हैं, तो जी हाँ आप रोज़ डेली लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। तो वैसे भी लक्ष्मी गणेश जी की हर कोई लक्ष्मी चाहता है, हर कोई आज के स्थिति में ऐसा है कि हर कोई लक्ष्मी चाहता है, तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ में आप रोज़ पूजा कीजिए, रोज़ उनको कुमकुम चंदन भोग रोज़ डेली लगाइए। अगर आप शुक्रवार का व्रत करती हैं तो लक्ष्मी माता का विशेष दिन है शुक्रवार का, अगर आप शुक्रवार का व्रत करती होंगी तो आप शुक्रवार का एक नियम होता है शाम के टाइम ही लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में कि मैंने किस तरह लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ शुक्रवार के दिन, और संतोषी माता का भी मैंने करा है मतलब व्रत, वो भी मैंने शेयर किया है आप लोग के साथ, तो आप वो भी देख सकते हैं। और शुक्रवार का भी मतलब शुक्रवार के दिन तीन देवियों का दिन पड़ जाता है, एक दुर्गा माता का पड़ जाता है, एक लक्ष्मी माता का पड़ जाता है, एक संतोषी माता का पड़ जाता है, तो आप रोज़ कर सकते हैं लक्ष्मी माता जी की पूजा आप रोज़ डेली कर सकते हैं, अगर व्रत रखिए या ना रखिए आप पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अपने कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा, तो मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच जो आपने अपनी कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो आपने देखा और देखते भी हैं, मेरे को फॉलो भी करते हैं। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो में फिर से आएंगे, आप नई वीडियो आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।